अभी क्लास 11th वालों का एग्जाम समाप्त हुआ होगा अपने स्कूल में, कुछ स्कूल में रिजल्ट भी आया होगा। अब वो लोग जाएंगे 12th में, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि सर अब 12th में आ गए हैं तो 12th के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जेई मेंस का एग्जाम निकले और जेई मेंस या जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो देखिए ये वीडियो स्पेशली जो अभी 11th का एग्जाम देके 12th में गए हैं उनके लिए, आपको दो तीन चीज को ध्यान में रख के तैयारी करना और 12th में एक साल बिताना। पहला, रिवीजन। आपको प्रॉपर टाइम, जितना भी आप मेहनत करते हैं, जितना भी घंटा आप मेहनत करते हैं, उसमें 20% टाइम जो है आपको रिवीजन के लिए देना होगा क्लास 11th में जो आप पढ़े, या फिर क्लास 11th में जो आपका वीकर चैप्टर है उसके लिए टाइम आपको निकालना होगा 12th में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका क्लास 11th में बहुत सारा टॉपिक अभी छूटा हुआ होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। आपको कंप्लीट तो करना है सब, 12th का भी कंप्लीट करना है और 11th का भी, जो जो चैप्टर आपका वीक है उसको कवर अप करना है, जो चैप्टर आपका अच्छा उसको रिविजन करना है। तो 20% ऑफ द टाइम जो है आपको 11th को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, देना ही होगा 11th के लिए। 12th बाकी आपको करते जाना। 12th में कुछ चैप्टर के बारे में हम तुम लोगों को बता सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूरा 12th बेस्ड है। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में फंक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि फंक्शन चैप्टर जो है वो एक पूरे कैलकुलस का आत्मा है। अगर फंक्शन तुम्हारा अच्छा है तो पूरा कैलकुलस तुम्हारा अच्छा होगा। फंक्शन एक चैप्टर बहुत अच्छे से वो जब भी पढ़ाया जाएगा स्कूल में या कोचिंग में, उसको अच्छे से प्रॉपर करना है, एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक का प्रॉब्लम बनाना है और चीजों को सही से समझना है, क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन, ये तीन चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो कैलकुलस अच्छा होगा, क्योंकि कैलकुलस यही तीन चैप्टर पे डिपेंड करता है। डिफ्रेंसिएशन अगर अच्छा है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा होगा, और अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वो भी आपका अच्छा होगा। तो ये तीन चैप्टर हो गया कैलकुलस के लिए। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाया जाए तो उस समय थोड़ा ध्यान से उसको पढ़े, और उसके बाद बचेगा वेक्टर और 3D, वो आसान भी है और वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है जेई के लिए। तो ये पांच चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका क्लास 12th का मैथ्स बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि 12th चलता रहे और 11th जो पीछे आप पढ़े हैं वो प्रॉपर रिवाइज होता रहे। आपको टेस्ट देना है, टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दीजिएगा तो आपका उससे स्पीड, आपका एक्यूरेसी सब आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉब्लम का लेवल आपको सही करना है, मतलब जेई लेवल के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है कि जेई में जब जाएं तो उस लेवल के प्रॉब्लम आप बनाए हुए रहें तो वहां कुछ भी आपको नया नहीं लगे। और टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना है, क्योंकि जेई में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आपको जो टारगेट करना है सिलेबस कंप्लीट करने का, वो नवंबर लास्ट वीक तक टारगेट करना है कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कि लास्ट में 1 से 1.5 महीना आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे 12th में होंगे उनको स्कूल का भी प्रेशर होगा, उनको स्कूल एग्जाम भी देना होगा, उस समय प्री बोर्ड का भी चक्कर होगा, क्योंकि जनवरी में पहला सेशन होता है, उस समय प्री बोर्ड का भी चक्कर होता है। इसलिए आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, ऐसा टाइमिंग सेट करना है, ऐसा प्लानिंग करना है कि आपका नवंबर लास्ट वीक या ज्यादा से ज्यादा दिसंबर फर्स्ट वीक तक सारा कुछ अच्छे से कवर अप हो जाए और 11th का प्रॉपर एक एक टॉपिक, जो भी आपका वीक साइड है, जो भी आपका वीक चैप्टर है, वो भी कंप्लीट हो जाए और जो आपका अच्छा है वो भी आपका रिविजन हो जाए। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप 12th के समय को बिताएं।
इस साल को बिताएं और अच्छे से मेहनत करें, आपका रिजल्ट कंफर्म अच्छा होगा। टाइम अच्छे से दे, पढ़ाई को टाइम दे, और पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी वगैरह कोई यूज ना करें। पढ़ाई करें तो बस पढ़ाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं हम करेंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे हमको निकालना है। असल इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।